पापियों के पाप कर्मों से पूरी धरती आच्छादित हो गई है। पापियों के पाप के कर्मों के बखान से पूरी दुनिया आच्छादित हो गई है। पापियों की ही खबरें अखबारों में देखने को मिलती हैं, पापियों की ही खबरें इंटरनेट पर दिखाई पड़ती हैं, पापियों की खबरें ही टीवी पर दिखाई पड़ती हैं। अच्छी खबरें तो बहुत इक्की और दुक्की देखने को मिलती हैं, चाहे वे अखबार हों, इंटरनेट हों या फिर टीवी चैनल्स की भी खबरें दिखाने वालों को भी तो मजबूरी ही है। समाज में जैसी हरकतें लोग करेंगे, खबरें ही वैसी दिखेंगी, और जैसी खबरें दिखेंगी समाज पर प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्मों की खबरें समाज में प्रसारित होती हैं, प्रकाशित होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे ही प्रभावित होते हैं। पूरी मानव सभ्यता पाप कर्मों से लबरेज हो चुकी है, तो खामियाजा भी मानव सभ्यता को ही भुगतना होगा, क्योंकि पापियों के मर्दन के लिए उचित राह निकालना भी ज़रूरी है। परंतु उचित राह निकालने के लिए, दानवों के मर्दन के लिए उचित राह निकालने के लिए मानवों का एकत्रित होना ज़रूरी है, मानव की एकजुटता होना ज़रूरी है, पुण्य के कार्य करने वालों की एकजुटता होना ज़रूरी है, जो होती दिख नहीं रहे। इसलिए पाप के मर्दन के भी कुछ आसार दिख नहीं रहे, बल्कि पापियों के पाप कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने चंगुल में जकड़ ले रही है, बल्कि जकड़ चुकी है। ये मानव सभ्यता के स्पष्ट पतन का स्पष्ट लक्षण दिख रहा है।